हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई से बच्चे होंगे, सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। जहां तक देखा गया है कि बच्चों का मैक्सिमम क्वेश्चंस आरआरबी जेई को लेके ये है कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्योंकि 2019 के बाद ये एग्जाम अब होने वाला है तो सर एज में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो देखो अभी तक उनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर उन्होंने जो एज का बताया है कि उसमें आपका एज का क्राइटेरिया ये रहने वाला है। जनरल के लिए मिनिमम आपके पास 18 और मैक्सिमम आपके पास 33। ओबीसी के लिए मिनिमम आपके पास 18 और आपके पास 36 मैक्सिमम। एससी एसटी के लिए आपके पास मिनिमम 18 और आपके पास मैक्सिमम 38। देखो आरआरबी के दूसरे भी एग्जाम हुए रिसेंटली, तो उन्होंने बहुत दिनों में एग्जाम हुआ तो उन्होंने 3 साल वहां पे आरआरबी के एग्जाम के अंदर एज लिमिट बढ़ाई थी। तो हो सकता है कि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के अंदर 3 साल आपके लिए और भी बढ़ जाए, लेकिन अभी जो करंट का जो नोटिफिकेशन है, जो करंट पे आरआरबी आपका एग्जाम कराता है, इस एज लिमिट पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। दूसरी बात आती है कि सर कौन कौन यहाँ पे इलिजिबल है। ब्रांच में बात करता हूं तो बेटा आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास बीटेक की आपके पास डिग्री है, आप डिप्लोमा वाले हो, तो आप भी एलिजिबल हो। अगली बात आती है कि सर ये जो एग्जाम होता है ये 2 फेज में आपका कंडक्ट कराया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पहला आपके पास कंप्यूटर CBT 1 होता है, दूसरा आपके पास CBT 2 होता है। CBT 1 के अंदर आपके पास पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है और CBT 2 के अंदर आपका टेक्निकल पोर्शन आपका आ जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका पास मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आप फाइनली आरआरबी के अंदर जूनियर इंजीनियर बन जाते हो। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे ब्रांच को लेके, डिग्री को लेके और आपके पास एज लिमिट को लेके। अगली बात यहाँ पे बात करता हूँ बेटा मैं कि यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है अभी के लिए जो करंटली उन्होंने बताई गई है 7911 आपके पास 2024 के अंदर आरआरबी जेई के अंदर वैकेंसी आपकी आ रही है। हो सकता है कि आने वाले नोटिफिकेशंस के अंदर ये वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन अभी करंटली आपके पास ये वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, जो बच्चा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और जो तैयारी करना चाहता है कि सर डेफिनेटली इस बार मैं आरआरबी जेई को निकालना चाहता हूं, तो बेटा किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ना 6 महीने सफिशियंट होता है। जी तोड़ मेहनत करनी होती है और आपको ये टाइम जो है ना इसको यूटिलाइज करना होता है, इसको बर्बाद नहीं करना होता। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो डेफिनेटली बेटा हमारे पास अभी जो करंट में लाइव बैच हमारा चल रहा है वो है संकल्प बैच आरआरबी जेई 2024, जिसके अंदर टेक और नॉन टेक दोनों के दोनों है। अभी ऑफर प्राइस के अंदर 2499 रुपीस के अंदर। और जो बच्चा चाहता है कि सर नहीं मेरे को तो रिकॉर्डेड ही देखना है, रिकॉर्डेड हमारे पास कंप्लीट कोर्स आपके पास अवेलेबल है, ये है इंद्रधनुष बैच, इसकी ऑफर प्राइस अभी आपके पास 999 रुपीस, लेकिन ये आपका रिकॉर्डेड ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। आज ही जाइएगा प्ले स्टोर पे, मास्टर प्लस एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे डाल दूंगा, तो आप वहां पे मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आता है तो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।